क्वेश्चन नंबर टू के हमने चार प्रॉब्लम्स हमने हल किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू के फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें लिखा हुआ है -1 + -3 का स्क्वायर रूट होल पावर 5 प्लस -1 माइनस फिर -3 का स्क्वायर रूट होल पावर 5। अगर आप चेक करें दोनों स्क्वायर रूट में -3 है, तो -3 को हम लिख सकते हैं -1 × 3। चुनांचा -3 को लिखेंगे -1 × 3, -3 को लिखेंगे -1 × 3। तो -1 + 3 का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट एयोटा, इस तरह 3 का स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट एयोटा। अब ये कीमत ओमेगा के इक्वल नहीं है, और ये वाली कीमत जो ब्रैकेट के अंदर है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो -1 + 3 का स्क्वायर रूट इनटू एयोटा ओमेगा के बराबर नहीं है, तो किसके इक्वल है? -1 - 3 का स्क्वायर रूट इनटू एयोटा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि किसके इक्वल है। हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है -1 + 3 का स्क्वायर रूट एयोटा ओवर 2। ओमेगा स्क्वायर होता है -1 - 3 का स्क्वायर रूट एयोटा ओवर 2। 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो 2 ओमेगा, क्योंकि ये 2 है, जब इसको लेफ्ट जानिब लाएंगे तो ये 2 इधर जाकर ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 + 3 का स्क्वायर रूट इनटू एयोटा। इस तरह यहाँ 2 को लेफ्ट जानिब ले जाएंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 - 3 का स्क्वायर रूट इनटू एयोटा। अब हमें इस कीमत का पता चल गया, -1 + 3 का स्क्वायर रूट इनटू एयोटा ये 2 ओमेगा के बराबर है। तो जब पहली ब्रैकेट में ये कीमत 2 ओमेगा के इक्वल है, और -1 - 3 का स्क्वायर रूट इनटू एयोटा 2 ओमेगा स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट में ये वाली कीमत 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। चुनांचे फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 ओमेगा और सेकंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। पावर को अलग अलग कर देंगे, 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5, 2 की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, 2 की पावर 5 32 ओमेगा की पावर 5, इस तरह यहाँ 32, 2 5s are 10, तो 32 ओमेगा की पावर 10। अब हम 32 कॉमन लेते हैं और मज़ीद क्वेश्चन को मुख्तसर करते हैं। 32 कॉमन, ओमेगा की पावर 5 इंटू ओमेगा की 10। अब यहाँ पर ओमेगा की पावर 5 को सॉल्व करना है, तो ओमेगा की पावर 5 को ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 2 में लिखेंगे, और ओमेगा की पावर 10 को हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 5 और ओमेगा की पावर 10 को सॉल्व करने के लिए 5 और 10 को हम ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे जो इनके करीब करीब भी होंगे और 3 पर डिवाइड भी हो जाते होंगे। तो आप जानते हैं कि ओमेगा 3 1 होता है, और ओमेगा 9 को ओमेगा 3 की 3 लिखेंगे इंटू ओमेगा, 1 को ओमेगा की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा की 2, ओमेगा 3 1 के इक्वल है तो 1 की पावर 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 जर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। आप जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? -1 के। 32 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट बहुत आसान प्रॉब्लम था, वो हमने हल कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं। एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इस सवाल को हल करने का गुड मेथड ये है कि आप राइट हैंड साइड को हल करें, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें और लेफ्ट के बराबर रिजल्ट लाएं। तो टेक राइट हैंड साइड एक्स माइनस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई, तीसरी ब्रैकेट में है एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक्स माइनस वाई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों ब्रैकेट्स में ओमेगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की 2,
एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा थ्री वाई की टू। इसके बाद अगले स्टेप में देखेंगे एक्स माइनस वाई, फिर दूसरी ब्रैकेट में एक्स की टू। यहाँ पर एक्स वाई हम कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई, एक्स वाई हम कॉमन लेते हैं। तो जब एक्स वाई कॉमन लेंगे तो बाकी ब्रैकेट में बनेगा ओमेगा की टू प्लस ओमेगा, फिर उसके बाद है प्लस ओमेगा की थ्री वाई की टू। उसके बाद एक्स माइनस वाई एक्स की टू प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, आप जानते हैं माइनस वन के इक्वल होता है, और ओमेगा की पावर थ्री, ये भी हम जानते हैं कि ओमेगा की पावर थ्री वन के इक्वल है। तो इसके बाद एक्स माइनस वाई एक्स की टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई की टू। यहाँ पर अलजबरे का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स की टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई की टू, ये दोनों फार्मूले के तहत एक्स की पावर थ्री माइनस वाई की पावर थ्री के इक्वल है। तो इस तरह ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हमने लेफ्ट हैंड साइड के बराबर रिजल्ट प्रूव कर लिया। ये लेक्चर का एंड है।